मोदी साहब, मैं प्रेम सिंह ठाकुर मुंबई से। मोदी साहब, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन, 43,000 वर्कर हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। 2014 में गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव सुन के आया था, वहाँ हमने अपने कार्यकाल में 33-34 करोड़ FD जमा की थी, जिसका आज कोई अता पता नहीं है। और 2013 से मेरा मुंबई के बांद्रा सिटी से इंडस्ट्रियल कोर्ट में केस चल रहा है, जहाँ सिर्फ तारीख ही मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। मोदी साहब, ये मजबूरी व समाज को आज ये भेजा हूँ, एक वीडियो भेजा हूँ, क्योंकि गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव वो क्रिमिनल आदमी है जिसका रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नालासोपारा से लेके मुंबई तक उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। किसी को मारने की सुपारी देता है तो किसी को मरवाता है, किसी को कुछ करता है, किसी वर्करों को मारता है, वर्कर अपना हक मांगने जाते हैं उनको मारता है, मार के बता देता है ऑफिस से। मोदी साहब, आपसे एक इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि आप हमेशा इंसाफ करते हैं, इसलिए आपसे इंसाफ की उम्मीद है। मोदी साहब, हमारा एक मेरी पार्टी का एक सीनियर वाइस चेयरमैन है, उन्होंने आपको मेल में भी सब डिटेल भेजी हुई है। मोदी साहब, इतना जुर्म हो गया है कि जुर्म सहना मुश्किल हो रहा है। वो जाली इलेक्शन करवाता है, जो रजिस्ट्रार है यार डोके वो भी उसको सपोर्ट करता है, और काफी आपके पार्टी के, जैसे उनमें से एक है रामकरण जी, जो आमदार है, वो उनके चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो मेंबर होगा वही चेयरमैन बन सकता है, और उनका चुनाव होता है, वो चुन के आते हैं। चलिए, हमने माना कि उनको आपने चेयरमैन बना दिया, सॉरी आपने नहीं, मजदूर ने उनको चेयरमैन मान लिया, लेकिन हम उनसे पूछते हैं, उनको सच्चाई नहीं मालूम होगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनको सच्चाई मालूम है जब वो ये बोलते हैं कि आप यूनियन में 22 करोड़ है, तो 22 करोड़ कहाँ है वो दिखाएं कम से कम। 6 करोड़ 6 लाख रुपया हमारे पास था कंपनी एक्ट में, एक एक पैसे का हिसाब किताब हम देने को तैयार हैं। उस आदमी ने ये भी बोला है कि 2018 तक का उसने इलेक्शन करवाया, कहाँ इलेक्शन किया, किधर किया, सब जाली, सब झूठ। मोदी साहब, आपसे एक इंसाफ की उम्मीद लगी हुई है हमें, इसलिए हमने आपको मजदूरी वसी में भेजना पड़ा है, ये वीडियो भेज रहा हूँ आपको मैं। अगर सच्चाई है बीजेपी के अंदर, मैं सबसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, और बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो आदमी कल तक लोकल ट्रेनों में चलता था वो आज BMW गाड़ी में घूम रहा है। मोदी साहब, क्या है? इतनी इनकम इनके पास कहाँ से आई? ये मजदूरों का पैसा नहीं तो और किसका पैसा है? वो आज भी काम नहीं कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो काम कहीं नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास इतना पैसा है। यहाँ से लेके UP तक उसने जमीनें खरीद रखी हैं, प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, कहाँ से ये सब पैसा आया? क्या इनकी इंक्वायरी नहीं हो सकती? मोदी साहब, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, भक्ति प्रसाद शुक्ला, राकेश मौर्य, राजेश अनुभवनी, जिनके पास झोपड़ा नहीं होता था, आज उनके पास लाखों की प्रॉपर्टियां हैं, करोड़ों का, क्या इनकी इंक्वायरी नहीं हो सकती? मोदी साहब, क्योंकि यहाँ हम पुलिस को भी, जब सतपाल सिंह जी यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे तब हम उनके पास भी गए थे, हमने उनको भी दिया था। आज वो बीजेपी में चुन के वो आमदार बन गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में ये हमारे साथ जुलूम क्यों हो रहा है? आप तो कहते हैं कि आप इंसाफ करते हैं,
हर एक आदमी का एवन की मतलब इंक्वायरी उसकी भी करवाते हैं जिसने लाख रुपया कमाया उसका टैक्स भरा क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया। हमने इनकम टैक्स में भी ये रिपोर्टें दी हैं लेकिन हर जगह वो मैनेज करता है। मैं मुंबई अंधेरी एरिया में रहता हूँ, अंधेरी ईस्ट के पुलिस स्टेशन में हमने 2013 में ही कंप्लेन किया था, वहाँ के DCP जोन में भी कंप्लेन किया था लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वो सबको मैनेज करता है सबको। उस टाइम पर अंधेरी पुलिस स्टेशन में ईस्ट में नंद कुमार धुमाल सीनियर इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इसकी इंक्वायरी होगी। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मोदी साहब 43,000 वर्करों का भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जो हम 22-23 करोड़ का इंटरेस्ट आता था वो उनको देते थे, उनके बच्चों का एजुकेशन देते थे, उनको रिटायरमेंट देते थे, उनको हर फैसिलिटी देते थे। आज कोई भी वर्कर वहाँ जाता है इंडियन ऑफिस में उनसे मांगता है कि भाई हमारा क्या हुआ, तो उनको मार के भगाता है। क्यों? वो पैदाइशी क्रिमिनल है। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव पैदाइशी क्रिमिनल है और उसको सपोर्ट किया रामकरण जी ने जो BJP के आमदार है। मोदी साहब बहुत शॉर्ट में आपको भेज रहा हूँ मैं ये वीडियो ताकि आपको सुनने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। मोदी साहब आपसे उम्मीद है इसलिए मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि हमने मेल भी किया हुआ है आपको, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन ने आपको मेल भी किया, पूरा डिटेल मेल किया हुआ है और मैं ये सोशल मीडिया में सब जगह डाल रहा हूँ क्योंकि मीडिया को तो वो आदमी मैनेज कर लेता है। मोदी साहब आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चार आदमी की इंक्वायरी की जाए, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद शुक्ला, राजेश अनुभवने, राकेश मौर्य, इनके पास ये प्रॉपर्टियां कहाँ से आई, जो काम नहीं कर रहे कहीं भी आज की डेट में, आज 2014 से वो लोग कहीं काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उनके पास ये प्रॉपर्टियां कहाँ से आई, जो गांव में जमीनें हैं, भैंसों के तबेले इन्होंने खरीद रखे हैं, कहाँ से आ रहे हैं यूपी में। हर ये चारों आदमी ने अपने गांव में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, इनकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं उनको भी हमने राइटिंग में दिया था, उन्होंने भी ये चीज़ें उसने वहाँ भी उनको इनको सबको मैनेज किया होगा। मोदी साहब आपसे विनती है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इंसाफ करते हैं हर किसी गरीब के साथ में, हर छोटे बड़े के साथ में। मैं भी आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको वीडियो भेजा है ये गरीबों के लिए, मेरे अकेले के लिए ना सही, गरीबों के लिए जिनका भविष्य जुड़ा हुआ है इससे, उनके लिए ये इंक्वायरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाइए। मोदी साहब ये हमारी विनती है आपसे, ये आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने जब देखा उसने 26 जनवरी का फंक्शन किया, वहाँ पर रामकरण जी ने हमको क्या बोला, कुत्ता बोला स्टेज पर खड़ा होकर, कुत्ता। आपको हम कुत्ते नजर आते हैं मोदी साहब, ये आपके BJP के आमदार कुत्ता बोल रहे हैं, क्यों भौंकते हैं, मैं शेर हूँ बोलते हूँ, वो शेर है सर, उनको शेर कहा जाएगा। उनके एक हैं अशोक दुबे जी जो सारा मैनेज करते हैं, सबको धमकी देते हैं और पैसे मंगाते हैं इन्होंने, उसका 2% का मैंने हिसाब मांगा जो आज 2013 से लेके अभी तक मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, कल भी मेरी तारीख है कोर्ट में इसी के लिए, लेकिन मुझे कोर्ट से तारीखों के सिवा और कुछ नहीं मिला। उसके जज हैं देशमुख, इंडस्ट्रियल कोर्ट में मिस्टर देशमुख के पास एक केस चल रहा है मेरा, कहीं से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, थक हार के हमने आपको ये वीडियो भेजा। मोदी साहब आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इसकी इंक्वायरी करवाइए, ये चार आदमी के यहाँ से लेके गांव तक इनके प्रॉपर्टियों का इंक्वायरी करवाइए। ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है इनका, बहुत बड़ा गेम है जिसमें 43,000 वर्करों का भविष्य जुड़ा हुआ है। थैंक यू मोदी साहब, शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से इंसाफ हमें मिलेगा जरूर। थैंक यू।